तो दोस्तों यार, क्या आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, वो भी परमानेंटली? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आगे इस चैनल पर ऐसी नॉलेज वाली वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कैसे किया जाता है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल सा अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नीचे में राइट साइड में अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, आपके सामने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ऊपर में एक थ्री लकीर जैसा आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट सेंटर का। तो आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर इस अकाउंट सेंटर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही अकाउंट सेंटर के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तभी आप जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डीएक्टिवेशन और डिलीशन का। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर जो है आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस इंस्टाग्राम के यूजर नेम में क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर डीएक्टिवेट के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट होने वाला है। तो दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ पर नीचे में डिलीट अकाउंट के ऑप्शन में कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक रीज़न मांगेगा कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई सा भी एक रीज़न में सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई सा भी एक रीज़न में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पर नीचे में कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, आपको जो है यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड मांगेगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपल से यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। तो आपको सिंपल यहाँ पर डिलीट अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा। पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है 30 दिन तक लॉगिन नहीं करना है। अगर आप 30 दिन से पहले अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है फिर से एक्टिव हो जाएगा। अगर आप 30 दिन तक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेज और ड्यूटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।